नाज़रीन आप लाइव नाज़र देख रहे हैं लीड। हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, शुपियाल का इलाका है ये, ज़िया मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट का एक सेंटर बनता है और यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और आप बताइएगा कितने अर्से बाद ये सफाई हो रही है और किस तरह से आप लोगों ने इनकी करवा ली सफाई करने की, क्योंकि आवाम तो बहुत परेशान है। ये तकरीबन 10 से 15 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर इसके बाद अगला जो हमारा सेशन होगा वहाँ पे ये एक एक्सीवेटर लगाया जाएगा जिससे मुकम्मल तौर पे ये खुदाई की जाएगी और इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से इसकी सफाई की जाएगी। तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मतलब हमारे यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं मलिक यूनस साहब का और फयाज़ खान साहब का और जो नफीस भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त पर यहाँ पर टीम भेजी और ये सफाई करवाई है। अगर यहाँ से MPA जीते हैं फयाज़ चौहान साहब तरीकन साहब की शर्ट पर, उनके कहने पे आज ये यहाँ पर सफाई हो रही है तकरीबन 1.5-2 साल के बाद और बड़ा ये इशू था यहाँ के इलाके के आवाम जो है उनका, थोड़ा सा भी यहाँ पर जो भी पानी जब मसला होता तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी के लिए उठा है, तो आज माशाल्लाह यहाँ पर सफाई हो रही है और ये काम नहीं करता। मुंसिपल कॉर्पोरेशन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बड़ी अच्छी टीम यहाँ पे लगाई है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कचरा था और वो कचरा इन्होंने माशाल्लाह निकाला, ये पानी का फ्लो बहुत नीचे चला गया, ये अभी यहाँ की सूरत हाल है आगे फायदे तक इससे भी ज़्यादा है। और दूसरा ये जो पानी की पाइप जो हमारी आ रही है ये पानी पीने वाला पानी है, हम इसकी भी रिक्वेस्ट करेंगे इसको ड्रिल करके कुली के नीचे से ना निकाला जाए, इसको किसी और जगह से निकाला जाए जो रोड क्रॉस की जाए ताकि नाले वाले पानी जो गंदा पानी है गड्ढों का पानी उसमें से गुजर के ये पैप ना आया। अभी ये कंटिन्यू नहीं हुआ लेकिन ये जब भी कंटिन्यू होगा तो ये परेशानी हमारे लिए इसकी भी साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मदीना वेलफेयर सोसाइटी के मेम्बर राना सजाद साहब और बिल्कुल वो बात उन्होंने ठीक की है कि आवाम को भी अब जो खाना सोचना पड़ेगा बदलना पड़ेगा क्योंकि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है और अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि मैं उस कौम की हालत उस टाइम तक नहीं बदलता जब तक वो खुद ना जाए। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते रहेंगे और भी अवामी ऐसे इशूज़ ऐसे मसाइल आपको दिखाते रहेंगे। लीड न्यूज़ के साथ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।